नमस्कार दोस्तों, लाइव जनादेश में आपका स्वागत है। मैं देवेंद्र चौहान आपको एक बड़ी भव्य कार्यक्रम में लेकर आया हूं, जो कि अवतार पावन अवतार के महा के नाम से ये प्रोग्राम चल रहा है सच्चा सौदा डेरा आश्रम में, और लाखों की संख्या में यहां भक्तजन पहुंचे हैं। साफ तौर पर एक भव्य प्रोग्राम यहाँ चल रहा है जिसमें हजारों लाखों की संख्या में यहाँ जो भक्त हैं वो बैठे हैं, और साफ तौर पर देखा जा सकता है जिस तरीके से ये भव्य प्रोग्राम चल रहा है बागपत के बरनावा में स्थित सच्चा सौदा डेरा में। तो साफ तौर पर यहाँ के लोग हैं, यहाँ के कुछ व्यवस्थापक हैं, इनसे पूछेंगे कि जो ये प्रोग्राम है ये किस तरीके का है और क्या है, आखिर ये प्रोग्राम क्या है, आज का क्या प्रोग्राम है जी। ये आज हमारे डेरा सच्चा सौदा आश्रम की दूसरी पातशाही शाह सतनाम सिंह जी महाराज का 103वां जन्मोत्सव है, पावन अवतार माह है। इसके उपलक्ष्य में यहाँ लाखों की साध संगत आई हुई है, भजनवाणी चल रही है, गुरु जी के रिकॉर्डेड वचन चलेंगे, और उसके बाद साध संगत के द्वारा कुछ मकान बना कर दिए हैं, उनको चाबी सौंपी जाएंगी, जिन्होंने गुर्दा दान किया उनको सम्मानित किया जाएगा। कुछ महिलाओं को रोजगार के लिए, 25 महिलाएं हैं, उनको सिलाई मशीन दी जाएगी रोजगार के लिए। 40 भाइयों को कंबल वितरित किए जाएंगे और 25 गरीब परिवारों को राशन वितरण किया जाएगा, और 7 विकलांगों को जो है ट्राई साइकिल दी जाएंगी ताकि वो जो है अपना चल सकें। ये सोशल एक्टिविटी के प्रोग्राम साध संगत के द्वारा अभी थोड़ी देर में यहाँ पे संपादित किए जाएंगे। अच्छा, जिस तरीके से व्यवस्था ये करी है, लाखों की संख्या में लोग आए हैं, इनको क्या मुख्य व्यवस्थाएँ करी हैं, कितने दिन से ये आपका प्रोग्राम चल रहा था? देखिए, हमारा प्रोग्राम तो केवल 2 दिन से सेवादार तैयारी में लगे हुए थे, मात्र 2 दिन के नोटिस पे ये प्रोग्राम की तैयारी हुई है, और साध संगत का रात से अनवरत यहाँ आना जारी हुआ है। व्यवस्थाओं में केवल हमें 2 दिन लगे हैं। जैसे कि गुरमीत राम रहीम आज सलाखों के पीछे विवादित हैं, उसके बावजूद भी इतना बड़ा जनसमूह, क्या कहेंगे जनसमूह के बारे में? देखिए, हमारे गुरुजी भले ही सलाखों के बीच में हैं, लेकिन साध संगत को अच्छी तरह से पता है कि गुरुजी हमारे निर्दोष हैं, उन पे कोई दोष ऐसा ये जबरदस्ती राजनीतिक षड्यंत्र करके जो है मंडे गए हैं, कोई उन पे दोष नहीं बनता है, और साध संगत उनकी पावन प्रेरणा के अनुसार जो 135 मानवता भलाई के कार्य चलाए जा रहे हैं उन पे दृढ़ है, विश्वास है, और गुरुजी साध संगत का मनोबल पहले से भी ज़्यादा बड़ा है। जैसे गुरुजी की उपस्थिति में यह प्रोग्राम होता है तो आप देख सकते हैं कि लाखों की तादाद में साध संगत आज भी मौजूद है, तो साध संगत गुरुजी की पावन प्रेरणा अनुसार वहीं अडोल है, कोई भी डोला नहीं है और कोई भी घर नहीं बैठा है। जो पहले सत्संग हुआ करते थे गुरुजी के सामने, क्या उस संगत उस सत्संग में और इस सत्संग में ज़्यादा अंतर दिख रहा है या वैसा ही है? नहीं, जैसे गुरुजी की पावन उपस्थिति में जो प्रोग्राम होते थे उससे भी ज़्यादा उत्साह है साध संगत में, और साध संगत मानती है कि गुरुजी हाजिर नाजिर हैं, वो नज़र नहीं आ रहे लेकिन वो किसी न किसी रूप में यहाँ विराजमान है, ताकत वो काम कर रही है, तभी साध संगत को पावर मिल रही है और साध संगत यहाँ एकत्रित है। साफ तौर पर बताया, जो साध संगत है उसको एक बड़ी प्रबलता मिल रही है, क्योंकि जो भक्तों में साफ तौर पर देख सकते हैं ये भव्य मंच लगा हुआ है, ये स्क्रीन है जहाँ से जो सतनाम गुरु जो गुरु हैं उनको लेकर उनके जो वाणी है जो उनको माइक के माध्यम से रिकॉर्डिंग के माध्यम से इस जनता को सुनाई जा रहे हैं। जो यहाँ पर साध संगत की बात करें तो जिस तरीके से लोगों में यहाँ उत्साह देखने को मिला है, खुद आज गुरमीत राम रहीम सलाखों के पीछे भले ही हैं लेकिन लोगों की आस्था बड़े पैमाने पर आज भी देखने को मिल रही है, ये अपने आप में एक बड़ी बात है। कैमरा सेवकों के साथ देवेंद्र चौहान, लाइव जनादेश, बागपत।